सो हम लोग कर रहे हैं पहाड़ों में सफ़र। तो आज जो यात्रा है कुमाऊँ में, हम लोग जा रहे हैं द्वारहाट से कौसानी। द्वार से कौसानी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसका जो बीच का रास्ता है ना द्वार से कौसानी का, वो है काफ़ी खूबसूरत। फिलहाल इस वाले ब्लॉग में ये रास्ता मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो मतलब इतना खूबसूरत है कि अगर आप वहाँ जितनी बार भी घुसोगे उतनी बार आपका मन करेगा कि बार बार इसी रास्ते पर हम दोबारा आए हैं। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। तो अभी द्वारहाट से डिस्टेंस है वह कौसानी की 40 किलोमीटर, और कौसानी है बोलते हैं उसे इंडिया का स्विट्ज़रलैंड, और महात्मा गांधी जी ने खुद ही बोला था कि ये मतलब स्विट्ज़रलैंड है इंडिया का। तो काफ़ी खूबसूरत छोटा सा टाउन है और खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहाँ से मतलब जो हिमालयन की जो रेंज होती है वो दिखाई देती है 210 डिग्री में, पूरी 210 डिग्री में वहाँ से हिमालय की रेंज दिखाई देती है और बिल्कुल पास से। तो इसलिए वहाँ का जो सनसेट है और सनराइज है, दोनों के दोनों काफ़ी फेमस हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं कौसानी। इस ब्लॉग में आप देखेंगे द्वार से कौसानी के जो टेढ़े मेढ़े पहाड़ के रास्ते हैं काफ़ी खूबसूरत, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और बाद में नेक्स्ट वाले ब्लॉग में भी कौसानी की जितनी साइड सीन होंगी उतनी साइड हम लोग शायद कवर करेंगे, क्योंकि ब्लॉग बड़ा बन जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो दो स्टेप में हम इस ब्लॉग को बनाएंगे।
तो अभी तक रास्ता आपको कैसा लगा? मैंने बोला ना कि काफ़ी खूबसूरत रास्ता है। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुँचे हैं सोमेश्वर। तो यानी कि यहाँ से सोमेश्वर से जो कौसानी डिस्टेंस है वह अभी 11 किलोमीटर और बची हुई है। तो यहाँ से एक रोड आती है अल्मोड़ा को, एक जाती है कौसानी, एक जो है रानीखेत। मतलब सेंटर है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का, सेंटर समझ लो आप इसको। यहाँ से तीनों ओर को रोड जाएगी आपके रानीखेत की ओर भी, कौसानी की ओर भी और अल्मोड़ा की ओर भी। तो आप तीनों ओर से इस सेंटर से तीनों ओर को मतलब किसी भी ओर जहाँ आपको जहाँ जाने की इच्छा हो आप उस ओर जा सकते हैं। ये कुछ यहाँ की ऐसी मार्केट है, देखो ये थोड़ा ये जो है कंजेस्टेड है, जाम वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पर। और ये जो मेरे लोकल जो आसपास के गांव है ना, उन सब की बड़ी सबसे बड़ी मार्केट ये सोमेश्वरी है। आप देखिए पूरा कौसानी का चौराहा है। एक रोड चलेगी बागेश्वर को, दूसरी रोड चलेगी सोमेश्वर को। तो ये वाला ब्लॉग खाली था सिर्फ आपको रास्ता दिखाने के लिए कौसानी का। नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मैं आपको कौसानी के सारे विजिटिंग प्लेस दिखाऊंगा, क्योंकि ब्लॉग बड़ा बन जाता है ना, तो उसकी वजह से फिर आप पूरा भी नहीं देखते हो और फिर इंटरेस्टिंग नहीं रहता। इसलिए हम लोग नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आपको विजिटिंग प्लेस देंगे। फिलहाल ये कौसानी का पूरा चौराहा है। यहाँ पर होटल वगैरह हैं, सारे होटल हैं इस जगह पर। आप यहाँ पर आराम से बार्गेनिंग करके होटल आराम से ले सकते हैं जब आप कौसानी विजिट करना है। इस वाली पूरी लाइन पे होटल ही होटल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ। अगले वाले ब्लॉग में कौसानी के सारे हिडन प्लेस, सारे कौसानी के टूरिस्ट प्लेस मैं आपको घुमाऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल। आपको ब्लॉग आज का अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक जय देवभूमि, जय उत्तर।